यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाहजहांपुर में दबंग का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव के लोगों को ये युवक तमंचा दिखाकर धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कार्रवाई कब होगी? बड़ा सवाल। तमंचा देखिए, तमंचा बगल में उसने दबाए हुए है बेल्ट के बेल्ट में। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें जहां पर दबंग का एक तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जय देव। देखिए, मोटरसाइकिल पर सवार है और तमंचा रखा हुआ है बगल में, और ऐसे ही ये माहौल बनाता है गांव में, लोगों को डराता है, धमकाता है ये आरोपी। अब पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब पुलिस किस बात का इंतजार कर रहे? पुलिस को अब इन तस्वीरों के अलावा और क्या चाहिए मुकदमा लिखने के लिए? जय देव। ये युवक तमंचा दिखाकर धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कार्रवाई कब होगी? बड़ा सवाल। तमंचा देखिए, तमंचा बगल में उसने दबाए हुए है बेल्ट के बेल्ट में। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दबंग का एक तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जय देव। देखिए, मोटरसाइकिल पर सवार है और तमंचा रखा हुआ है बगल में, और ऐसे ही ये माहौल बनाता है गांव में, लोगों को डराता है, धमकाता है ये आरोपी। अब पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब पुलिस किस बात का इंतजार कर रहे? पुलिस को अब इन तस्वीरों के अलावा और क्या चाहिए मुकदमा लिखने के लिए? जय देव। ये युवक तमंचा दिखाकर धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कार्रवाई कब होगी? बड़ा सवाल। तमंचा देखिए, तमंचा बगल में उसने दबाए हुए है बेल्ट के बेल्ट में। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दबंग का एक तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जय देव। देखिए, मोटरसाइकिल पर सवार है और तमंचा रखा हुआ है बगल में, और ऐसे ही ये माहौल बनाता है गांव में, लोगों को डराता है, धमकाता है ये आरोपी। अब पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब पुलिस किस बात का इंतजार कर रहे? पुलिस को अब इन तस्वीरों के अलावा और क्या चाहिए मुकदमा लिखने के लिए? जय देव। हे मैया।